टमाटर और मच्छी लगता है एक इंस्पिरेशन बंगाली क्यूजीन में से। हर एक प्रदेश का एक अनोखा तरीका है मच्छी पकाने का, और आज के स्पाइस बॉक्स में मैं दिखाऊंगी एक नया तरीका मच्छी पकाने का, जो है टमाटो इन फिश। बनाने के लिए फिश इन टमाटोज हमें चाहिए कुछ टमाटर, फिश फिले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बासा, तेल, नींबू का रस, थोड़ा लहसुन, काली मिर्च, नमक और थोड़ी शक्कर। प्रधान सामग्री इस मच्छी में है टमाटर। तो फिर इन टमाटर को ब्लांच करने के लिए मैं शुरुआत करूंगी बनाने की छोटी स्लिट्स टमाटर के इर्द गिर्द। तो हम बनाएंगे छोटी स्लिट्स इस तरीके से, ध्यान रखें आप इसे स्लाइस ना करें। तो ये ऐसे दिखना चाहिए। एक बार आपने सारे टमाटर को स्लिट कर लिए, डालिए इन सबको उबल दे पानी में। ध्यान रहे कि आप टमाटर को पका ना दे, पानी गर्म होना चाहिए सिर्फ उनको करने के लिए ब्लांच। अब टमाटर हो गए हैं ब्लांच, इनको हम निकाल लेंगे गर्म पानी में से और ठंडा होने देंगे। देखिए ऐसे दिखने चाहिए ये। एक बार ठंडे हो जाएं तो आप छिलके निकाल लीजिए और डाल दीजिए इसे मिक्सी में बनाने के लिए अच्छी सी प्योरी। अब हम शुरू करेंगे निकालना छिलका। निकाल लेंगे ऐसे और बाजू पे रखेंगे। एक बार आपने छिलका निकाल लिया उसके बाद रफली काट लेंगे इसे और डाल देंगे इसे मिक्सी में बनाने के लिए अच्छी सी प्योरी। एक पैन में गरम करेंगे थोड़ा तेल। एक बार तेल गरम हो जाए हम डालना शुरू करेंगे लहसुन की कलियां, पिसी हुई लहसुन की कलियां और काली मिर्च। डालेंगे लगभग डेढ़ चम्मच काली मिर्च पाउडर। भून लेंगे इसे जब तक आ जाए खुशबू। एक बार ये खुशबू आ जाए डालेंगे इसमें नींबू का रस। डालेंगे इसमें आधी चम्मच शक्कर, यहां पे मेरे पास एग्जैक्टली आधी चम्मच शक्कर है। डालेंगे चुटकी भर नमक इसमें। एक बार ये हो जाए डालेंगे इसमें टमाटर की प्योरी। इसे पका लेंगे जब तक सॉस हो जाए गाढ़ा। अब ये टमाटर सॉस तैयार है। चिकनी कर गई बेकिंग डिश में हम रखेंगे थोड़ा सा टमाटर का सॉस ये डिश के ऊपर। हम शुरू करेंगे स्वाद करना इस मच्छी को। डालेंगे अच्छी मात्रा में नमक, फैलाएंगे अच्छे से दोनों बाजू। एक बार आप स्वाद कर ले मच्छी को नमक से, आप इसको रख सकते हैं बेकिंग डिश में।
अब आप डाल सकते हैं बाकी बचा टमाटर का सॉस। मच्छी अब तैयार है अवन में जाने के लिए। आप इसे बेक करें 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनटों के लिए। मच्छी है एक अच्छा स्रोत प्रोटीन, पोषक तत्व और विटामिन डी का। ये दुनिया का सबसे अच्छा स्रोत है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो आपके दिमाग और शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए मच्छी खाने से आपके बाल और आपकी चमड़ी अच्छे रहते हैं।